कि अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो आप रिजर्वेशन का बिल लेकर क्यों आए। मैं प्रसन्न आचार्य जी को स्पष्टता करना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का बिल लेकर मैं इसलिए आया हूं कि सदन में तो आज पास हो जाएगा साथ में, मगर वहां का सदन क्या करेगा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। अगर वहां पहले वहां का सदन भी पास कर देगा तो मैं रिजर्वेशन के बिल को नहीं मूव करूंगा, क्योंकि रिजर्वेशन के बिल को मूव करने की जरूरत ही नहीं होगी। 10% रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अप्लाई करेगा। और उस सबसे पहली शुरुआत स्वपन दास जी ने कहा 370 के लिए संवैधानिक सुधार की जरूरत है या नहीं है। स्वपन दास जी नहीं है, अगर सभापति महोदय कहते हैं तो मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी सदन के सामने रखने के लिए तैयार हूं, मगर ये नहीं है। उन्होंने कहा कि कब तक ये यूटी रहेगा। माननीय मैं गुलाम नबी साहब और जितने सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूटी बनाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करी, मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, हम इसको फिर से स्टेट बनाने के लिए हम उठाएंगे। और मैं आज इस सदन से के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है और इसमें हमें कोई मतभेद कोई दिक्कत, जब भी उचित समय आएगा। मगर जिस प्रकार के भाषण हो रहे आज, मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा समय जाएगा, क्योंकि ये भाषण बाद में घाटी में भी होने वाला है। अगर स्थिति नॉर्मल होती है तो हमें कोई ज्यादा इसको लंबा करने में कोई शौक नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। वाइको जी ने कहा कासा वो बन जाएगा कश्मीर। वाइको जी आश्वस्त रहिए, कुछ कासा वो नहीं हो जाएगा, ये स्वर्ग था है और रहने वाला, कासाओ नहीं बनने देंगे, आप चिंता मत करिए। रेड आपको वही करना है।